दोस्तों थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के चौकी में इस वक्त मौजूद हैं और 8 तारीख को जिस तरीके से घटना हुई है वीरेंद्र तिवारी की, उसी मामले में यहां जो है सौ पहुंच चुका है घर पर, लेकिन अभी अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। आखिर क्या कारण है? जानकारी मिल रही है कि एक घंटे जो है रोड भी जाम किया गया है। रामपुर मथुरा पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है तो मृतक के परिजनों से जानने का प्रयास कर रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से मृतक का सौ लटकता हुआ फांसी के फंदे से मिला है, आखिर क्या सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। रामपुर मथुरा पुलिस जो है पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक के परिजनों से बात करने पर पता चलेगा कि आखिर अभी तक क्या आश्वासन मिल रहा है। मृतक के परिजनों से बात करना है। दिखा सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, भीड़ यहाँ पे काफ़ी संख्या में लगी हुई है, लेकिन अभी जो है मामला जो इस तरीके का सामने निकल कर आया है कि जो मृतक वीरेंद्र तिवारी हैं अभी तक शक के दायरे में परिजन हैं, अभी उनको पता नहीं चल पा रहा है वाकई में हत्या है या फिर आत्महत्या, ये तो जांच का विषय बनता है। कैमरा भी वहाँ पर लगे हुए थे, कैमरे में पूरी कैमरे की जो है CCTV फुटेज चेक की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल है और रामपुर मथुरा पुलिस पूरी तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन अभी जो लिखित तहरीर दी गई है उस तहरीर के अनुसार कई लोगों पर आरोप लग रहे हैं, तो आरोप किस तरीके से लग रहे हैं? भैया क्या नाम है आपका? भैया दो मिनट बात करेंगे बाद में, खड़े हो जाइए। अच्छा ये बताइए कि आप मृतक के कौन है? भाई हैं। भाई क्या नाम है आपका? गोविंद तिवारी। अच्छा थोड़ा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से आपने तहरीर दी है उसमें किन किन लोगों का जो है नाम दिया है? उसमें 5-6 नाम है। किसका किसका नाम? मेन अली हसन है, ये दिलीप सोनी है, और ये KP यादव है, और दूसरा है ये कौन है वो रामचंद्र यादव पुरवा के। अभी तक आपको सिर्फ शक है या फिर बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इन्होंने ये घटना की है? क्लियर है, क्लियर। कैसे कैसे आपको पता चला? ये तो धमकी दे थे रामचंद्र वर्मा ने। अच्छा ये बताइए जब मृतक का शव वहाँ पे बरामद आप लोगों को मिला, किसके द्वारा सूचना मिली? ये तो कल रिपोर्ट में आपको दिखाया भी था, लेकिन आज का जो मामला है कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि वहाँ पर कैमरे भी लगे हैं और कैमरे में 11:00 पर वहाँ पर लाइट जली है, उसके बाद जो है कैमरे में कुछ मिनट की बीच बीच में गैपिंग भी है, उस समय लाइट गई है या क्या हुआ है, कैमरा बंद किया गया है, तो जाँच का विषय बनता है। अच्छा ये बताइए किसके वहाँ काम कर रहे थे आपके भाई? प्रकाश शर्मा जी के वहाँ। कितने साल से काम कर रहे हैं? लॉकडाउन से काम कर रहे हैं, 3 साल हो गए। अच्छा तो वहाँ पे कुछ विवाद था, किसी से पुरानी रंजिश थी, किसी से झगड़ा? इन्हीं अली हसन से विवाद होता था, इनसे झगड़ा हुआ था, एक बार इनको दिलीप सोनी को गाली वाली दिए थे उन्हीं में यानी। अच्छा पहले जैसे हम आप लोग शक कर रहे हैं कि फला जो है उसकी हत्या हुई है, तो ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ मतलब सबूत वगैरह कुछ मिला है? हाँ अली हसन की रिकॉर्डिंग मिली है। अली हसन कहाँ के रहने वाले? ये चांदपुर निवासी है। अच्छा इनसे क्या बात हुई फोन पे? इनसे यानी फोन पे यही बात हुई है कि तुमको हम सबसे बड़ा दुश्मन हमारा तुम ही हो, तुमको हम रिकॉर्डिंग में है, तुमको हम 3 दिन में देख लेंगे। अच्छा 1-2 दिन में देख लेंगे। तो आपको कब पता चला था कि वहाँ पे बॉडी इस तरीके से भाई के आपके है, किसके द्वारा सूचना मिली? ये वेद प्रकाश शर्मा जी घर आए थे बताने के लिए। अच्छा अभी आपने 1 घंटे रोड जाम किया है, जानकारी मिल रही है, काफी पुलिस भी यहाँ पे रामपुर मथुरा प्रशासन पहुँच चुका है, आपको क्या लगता है क्या आश्वासन मिला अभी तक? ये लोग यानी बस एक को पकड़ लिए हैं। किसको पकड़ा अभी तक? अली हसन को पकड़े हैं और सब पकड़े हैं और सब फरार हो गए हैं। तो आश्वासन मिल रहा है कि न्याय आपको देने का आश्वासन मिल रहा है कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा, हमें नहीं लग रहा न्याय मिलेगा, आश्वासन केवल दे दिया जा रहा है। मृतक के भाई? हाँ बड़े भाई हैं। अभी तक यहाँ पे देखा जा सकता है कि डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, परिजन किस तरीके से परेशान है वाकई में, जिस तरीके से वीरेंद्र तिवारी की जो है डेड बॉडी मिली है, अब हत्या है या आत्महत्या है तो पुलिस प्रशासन का काम है, जांच करने का विषय है, लेकिन जिन्होंने भी इस घटना को इस तरीके से अंजाम दिया है या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, इस परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। मैं रामपुर मथुरा प्रशासन से भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप जाँच पड़ताल कर रहे हैं, कोई भी सुराग मिलने पर अगर परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। देख सकते हैं कि माँ का बुरा हाल हो रहा है, रो रो कर, एक माँ जब अपना
बेटा खो देती है तो उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है, माँ से बेहतर कौन जान सकता है। ये देखिए माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं और रामपुर मथुरा पुलिस भी आपका पूरा सपोर्ट करेगी, पूरा साथ देगी। अगर जिन्होंने भी मतलब ऐसा कृत्य किया है उसको जो है कार्यवाही उस पर जरूर होगी। अभी माँ क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, कैसा आपको न्याय चाहिए, क्या लग रहा है? हमका न्याय जहर देकर मारा गया है, नटी गला दाब दिन गा है तार से नहीं बॉडी बॉडी देखकर आपको कैसा लग, बॉडी देखकर क्या पता चल रहा है? जहर देकर मारा गया है, चाहे जैसे कोल्ड ड्रिंक में दिया गया हो या अल्कोहल में दिया गया हो मिला के, उसको जहर देकर मार कर यानी कि उसकी बॉडी तार से बांध कर बैठा दी गई है। अगर कोई तो अभी तक वहाँ से सीतापुर से बॉडी कब आई थी? रात में आई थी 8 बजे। तभी अभी तक जो है आपने नहीं है साहब, कुछ नहीं भावा है, 8 बजे आई गए मट्टी, कुछ नहीं भावा है। हमका न्याय चाहिए, अन्याय न चाहिए साहब, हमका यहाँ चाहिए थे खुल जाए कोको रहा और कोको मारा का आएंगे नहीं मौके पे, तब तक कुछ नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगी, ये चाहे जो हो जाए मुलजिम, तब तक मिट्टी नहीं होगी, मिट्टी नहीं होगी। बात मृतक के कौन है? भाई हैं। मृतक के भाई हैं? हाँ। क्या चाहते आप लोग? हम लोग चाहते हैं न्याय मिलना चाहिए, जो न्याय मिले, जो मुलजिम मारे हैं वो पकड़े जाएं, उसके बाद में मिट्टी होगी, उसके बाद में कुछ भी होगा। अच्छा, आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि ये किसी ने मारा है, आपने, क्योंकि आपने नहीं देखा है ना तो किसी ने देखा है, क्योंकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन आपको शक इस पे जा रहा है? ये सब अली अहमद, ये सब मार्गी का टांगन है, अली अहमद का पूरा प्रूफ है, हम कल भी बोल रहे थे आज भी बोल रहे हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अली हसन की जो है रिकॉर्डिंग सामने आ रही है, वो रिकॉर्डिंग आपके पास है उसमें दिख रहा सामने सा, मतलब आवाज आ रही है कि ऐसी बात हुई है, वाकई में पता चल रहा है? और ये लोग फोन गया है 112 नंबर पे, फोन किया है लड़का, लड़का 112 डायल किया है, हाँ डायल किया है, उसमें ऐसी रिकॉर्डिंग है और मैसेज भी पड़ा है, हाँ उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं की। 112 पे जो है डायल नंबर 112 डायल करने का क्या मतलब है? जब कोई 112 डायल करता है तो जरूर वो किसी परिस्थिति में फंसा होता है, तभी वो 112 डायल करता है और यूपी की पुलिस की जो है सहायता चाहता है। लेकिन पुलिस ने प्रयास किया होगा ढूंढने का, लेकिन अच्छा मतलब उसके बाद फोन स्विच ऑफ मिला है या फिर ऐसे? उसके बाद में फोन स्विच ऑफ मिला होगा, आप लोगों ने रात में फोन करने की कोशिश की? फोन रात में 10 बजे वो दुकान पे चला जाता था, तो कभी कभी घर आता था, डेली कभी कभी आता है, हाँ कभी कभी आवत रहा है, हाँ लेटता था घर पे, लेटता वहीं था, दिन में आता था जैसे काम लगा खाना पीना यानी कि कभी कभी खा लिया। अली हसन के वहाँ काम कर रहा था या फिर वेद प्रकाश के? वेद प्रकाश शर्मा जी के यहाँ अली काम किसी और के वहाँ कर रहा था और उसी के वहाँ। अच्छा ये बताइए वेद प्रकाश के वहाँ जो है 100 बरामद हुआ है ना? हाँ उन्हीं के चौराहे पे जो, और एक जो है मैं बता दूं आपको कि जो मकान बना हुआ है दूसरी मंजिल पर, जो मकान मतलब बन रहा है अधनिर्मित मकान में जो है 100 बरामद हुआ है, और फांसी के फंदे से लटकता हुआ दरवाजे में 100 बरामद हुआ है, और नाम यहाँ पे जो है फोन पर जिस तरीके से बात की गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मृतक जो है काफी दिनों से वहाँ पे काम कर रहा था। ये तो जांच का विषय है कि रामपुर मथुरा पुलिस जो है किस तरीके से पीड़ित को न्याय दिलाती है। जय